ये पुरुष जाति इतनी बड़ी कुत्ती चीज होती है, अगर इस जाति को 56 भोग वाली थाली भी दे दी जाए ना, तब भी दूसरी थाली में मुंह मारना नहीं छोड़ेगी। जैसे कि मैं, मेरी लाइफ एकदम बढ़िया चल रही थी, जिंदगी में सुकून था, गर्लफ्रेंड थी और टाइम टू टाइम मिल रही थी, मतलब सब अच्छा चल रहा था। लेकिन ये साली आशिकी के जो कीड़े होते हैं ना, इनकी वजह से अच्छे अच्छों की फट जाती है। और जब किसी इंसान की फटती है ना, तब लोगों को देखने में और मजा आता है। तो आओ देखो आप सब भी। सोनू, सोनू मैं कहां मर गया यार, जल्दी आजा, लेट हो रहा हूं मैं। आगे जल्दी आगे, ये दीजिए। कितनी बार बोला तेरे को जब मैं लेट हुआ करूं, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला लिया कर। भैया जी, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या? पहले आप सुबह सुबह चाय पीते थे, कॉफी पीते थे, और अभी गोलियां खाते हो। सब ठीक तो है ना भैया जी? कहीं आपको कोई गुप्त रोग तो नहीं हो गया? आप पागल है क्या? मुझे गुप्त रोग क्यों होगा? और ये तो माइंड फिटनेस की सुपर फिट टैबलेट है जो तेरे भाई को इतना फिट रखती है। अबे इसी की वजह से तो मैं इतना एक्टिव रहता हूँ और मेरे फेस पे इतना ग्लो भी है, और इसे लेना बहुत ईजी है। बस इसमें से एक टैबलेट निकालो और एक ग्लास फ्रेश वाटर में डाल दो और थोड़ा वेट करो डिजोल्व होने का, और डिजोल्व होते ही पी लो। और सोनू से पीने के बाद ना बहुत ही गुड वाइब्स आती है। अरे वाह भैया जी, ये तो बवाल चीज है। फिर तो एक गोली हम भी लेंगे और आपकी तरह एक्टिव होकर करके सारे काम कर देंगे। चल ठीक है, ले लियो, अभी मैं लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ। और हाँ गाइस, अगर आपको भी माई फिटनेस की सुपर फिट टैबलेट्स बाय करनी है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके इजीली बाय कर लो और खुद को रखो फिट, बिकॉज वन लाइफ बेबी। अबे ओ साड़े, कभी अपने बाप से भी कुछ पूछ लिया कर। बाप से? पिताजी को तो गए 4 साल हो गए, उनसे कैसे पूछूं? पर पूछना क्या था? अबे ओ अकल के अंधे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मतलब कभी मुझसे भी चाय पानी के लिए पूछ लिया कर। देखिए जनाब, हम आपके बाप के नौकर नहीं, आपके दोस्त के नौकर हैं, और उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वो हमें सैलरी देते हैं, आपकी तरह नहीं। आप तो उल्टा हम ही से उधार लेके बैठे हो, और बदले में आपको चाय पिलाए, कॉफी पिलाए, गुना खिला दे अपना। देखो ऐसा है, कायदे में रहो, नहीं तो ऐसा जूता फेंक के मारेंगे ना, नानी याद आ जाएगी, नल्ले इंसान। अबे काफ हो गया? कहीं नहीं भेजी, कहीं नहीं, चाय चाहिए ना, लारो लारो। चाय पियेंगे, आज मैं चाय पिलाऊंगा। ले लो, ले लो आपकी चाय। ला दे। मलाई भी डाली है क्या? मलाई? हाँ जी, हाँ जी, डालिए डालिए। तभी तो इतनी बढ़िया बनी है। चल निकल अब काम कर। थूक तो पिला दिया, अब किस दिन गू भी खिला देंगे। कॉल करूँ कहाँ है ये? यार क्यों मेरे पीछे पीछे आ जाता है हर जगह? अरे यार इतनी सी बात पे कौन ब्रेकअप करता है यार?
यार, ये देखने में तो लड़का ठीक ठाक ही लग रहा है और इससे तेरा पीछा भी छुटवा सकता है। प्लीज आई गेस ये बेस्ट आइडिया। बेबी अभी तो मेरे पास ही आ रही है। अबे अब ये कौन सा बेबी आ गया? तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? तुमसे ही तो बात कर रही हूँ। बेबी अब ये कौन है? क्या कौन है मतलब? बॉयफ्रेंड है मेरा। मैं? ये कुतुब मीनार सा? हाँ मूफली से, यही है मेरा बॉयफ्रेंड। बेबी बोलो ना, हो ना तुम मेरे बॉयफ्रेंड? हाँ मैं ही तो हूँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड। और बेबी ये आपको छेड़ रहा है क्या? अबे ओ हाँ, प्लेट पासी बिरयानी, फटे हुए दूध, चली हुई राख, बहती हुई नाक, थूके हुए पान, साले कंदी नाली के कीड़े, तू हर लड़की को छेड़े। तेरे जैसे मैंने ना जाने कितने पहले, अब ये एक मारूंगा ना कान के नीचे, दोबारा मिलेगा नहीं इसके पीछे। और सोने मेरा माले, आज के बाद इसके आगे पीछे नजर आया तो साले काट डालूंगा, टोटे टोटे कर दूंगा तेरे। चल निकल अभी यहां से, दफा। ये तुमने ठीक नहीं किया। अभी चल निकलना, देख लेना ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखोगी। निकल, आज के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा वो। थैंक गॉड यार, फाइनली इस चूतिए से पीछा सीधा। एंड ऑल थैंक्स टू यू। यू आर वेलकम बेबी। बेबी पागल पागल हो क्या? अभी तुम ही ने तो कहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। एक्सक्यूज मी यार, प्लीज ये मत कहना कि ये सब ड्रामा था। ऑफ कोर्स ड्रामा था यार, ऐसे किसी राह चलते को बॉयफ्रेंड थोड़ी बना लूंगी। यार जैस्मिन ये बहुत गलत बात है तुम्हारी। क्या? एक मिनट। You said Jasmine. How do you know my name? वो यार हम दोनों ना सेम स्कूल में थे। But मैंने तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं। हाँ क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे रहता था, तुम मेरे आगे। मेरा मतलब मैं तुम्हारी पीछे वाली क्लास में था बी सेक्शन में, और तुम मेरी आगे वाली क्लास में ए सेक्शन में। अच्छा चलो ठीक है, I'll go now. रुको, कहाँ जा रही हो? अपनी पीजी जा रही हो क्या? ए ब्लॉक हाउस नंबर 20। अब तुम्हें मेरी पीजी का एड्रेस भी पता है? वो यार क्या है कि ना यहाँ पास में एक ही तो पीजी है, तो इसलिए तुक्का मारा। और मेरी कार है, चलो और छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं इट्स ओके, मैं जाती हूँ खुद। अरे कम ऑन यार, वी आर स्कूलमेट्स, आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। आओ बैठो। सॉरी यार बेबी, वो मैं थोड़ा सा लेट हो गया। थोड़ा सा लेट? मैं पिछले 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। वो छोड़ो, पहले तुम ये बताओ वो कौन सी लड़की थी जिसको तुम अपनी कार में बिठा के ले गए थे? कौन सी लड़की? तुमने ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे को बुला के किसी और लड़की के साथ चला गया। और अब तुम मुझे सच सच बताओ, कौन थी वो डायन जिसके चक्कर में तुम मुझे अकेला छोड़ के आ गए? वहां से यहां तक पैदल चल के आई हूं मैं, साथ आने वाले थे हम। अच्छा वो लड़की? यार वो ना, वो तो मेरी दीदी है बेबी। क्या? लेकिन तुमने पहले तो कभी नहीं बताया कि तुम्हारी कोई दीदी भी है। बेबी तुमने पहले कभी पूछा कि मेरी फैमिली में कौन कौन है? कभी इंटरेस्ट लिया? नहीं ना। हाँ पूछा तो नहीं, लेकिन अच्छा ये ना दीदी आ गई, तो अब बताओ कब मिला रहे अपनी दीदी से? दीदी से? नहीं नहीं तुम दीदी से नहीं मिल सकती। क्यों? मैं दीदी से क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि मैं उनको हमारे रिलेशन के बारे में बता नहीं सकता ना यार। लेकिन क्यों यार? अगर मैं दीदी को हमारे रिलेशन के बारे में बता दूंगा
तो वो पापा को बता देंगी और फिर पापा मुझे वापस गांव बुला लेंगे। और तुम क्या चाहती हो, मैं तुमसे दूर चला जाऊं? नहीं नहीं नहीं, लेकिन ऐसा करते ना, वो ये नहीं बताती मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। ऐसा फ्रेंड तो मिलवा ही सकते हो। नहीं यार, ऐसा फ्रेंड भी नहीं मिलवा सकता। क्यों? क्योंकि मेरी दीदी और पापा का ऐसा सोचना है कि लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते। कितने घटिया लोग हैं। क्या? नहीं नहीं, मैं ये कह रही थी कि खाना अगर खाना खाते, देखो मैं तुम्हारे फेवरेट चिकन फ्राइड राइस भी मंगाए हैं। ठीक है बेबी, थैंक गॉड ये मान गई, वरना आज मेरी फाड़ी देती। एक तो आजकल बाहर का माहौल इतना खराब हो गया है, दुनिया भर का पॉल्यूशन और तरह तरह के वायरस, और ऐसी सिचुएशन में हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट रखना बहुत जरूरी है। और मेरी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करती है माय फिटनेस सुपर फिट की ये टैबलेट। वैसे आज इतना चेतना से मिलकर अच्छा नहीं लगा जितना जैस्मिन से मिलकर लगा। फॉलो बैक ना मिलने के डर से मैंने आज तक इसको फॉलो भी नहीं किया, लेकिन आज फॉलो करता हूँ और मैसेज भी, क्योंकि अब तो हम एक दूसरे को जान गए, क्या पता कुछ बात बन ही जाए। हाँ ये सही रहेगा। अरे ये तो वही लड़का है जो आज मुझसे मिला था। I am good. What about you? ओह क्या बात है, उसका रिप्लाई आ गया और ये क्या फॉलो बैक भी कर लिया। Yes. I am also good. And by the way, आज के लिए thank you so much. मैंने तुम्हारी हेल्प की, उस लड़के से तुमको बचाया, उसके लिए सिर्फ एक छोटा सा थैंक यू। हैं? ये तो बड़ा अजीब है यार, कहीं मैं इसके साथ कार में बैठकर आ गई, उसका एक गलत मतलब तो नहीं समझ रहा। अभी इसकी गलत फहमी दूर करती हूँ। अच्छा मिस्टर, तो तुम मुझसे बदले में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अरे यार तू भी पागल है, ऐसे डायरेक्ट क्यों बोल दिया, लगता है वो मुझे गलत समझ बैठी। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, बाकी तुम चाहो तो थैंक यू के बदले में कल कॉफी पिला सकती हो मुझे। अरे नहीं यार जैस्मिन, जैसा तू सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ तो ठीक है, पी लेना कल कॉफी, वैसे भी 3 बजे के बाद मैं फ्री हूँ। आज तो बात बन ही गई, मतलब कल मैं अपनी क्रश के साथ कॉफी पीने जाऊंगा। वाह यार। हाँ जी तो फिर ठीक है, कल मिलते हैं 3 बजे के बाद। ओके। अबे हरामियों, तुम दोनों क्यों नाच रहे हो? अरे कल मेरा भाई अपनी क्रश से दोबारा मिलने जा रहा है, ये तो नाचने की बात है ना। हाँ भाई अजीत सही कह रहे हो। मतलब तुम दोनों मेरी चैट पढ़ रहे थे? अरे यार अब तू चैट के साथ वॉइस ओवर लगाएगा, पूरी पब्लिक सुन रही है तो हम दोनों भी सुनेंगे ना, बहरे थोड़ी है। अब तू जा अब बढ़िया सा खाना लगा दे। जी भैया जी। और भाई तू थोड़ा साइड में आ जा ब्रो, तुझसे डील करनी है। क्या डील? अबे आ तो सही। अबे हाथ का। अरे यार भाई देख, चेतना तो तेरी पहले से गर्लफ्रेंड है, अब तू जैस्मिन को भी पटा लेगा क्या? हाँ प्लान तो कुछ ऐसा ही है मेरा।
तो चेतना का क्या होगा? अबे तेरे भाई का दिल और बहुत बड़ा है, दोनों संभाल लूंगा मैं। बाप भाई बुरा ना माने तो एक बात बोलू, देख तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? समझ रहा ना? गुस्सा मत आइयो, देख जो मैं बोल रहा हूँ, गुस्सा मत आइयो। बाकी मान ले कि मैं तुझ पे एक एहसान कर रहा हूँ, भाईचारे वाली बातचीत है ना इसलिए, ठीक है? भाई अगर तू दोनों को ना संभाल पाए ना, तो चेतना को संभालने के लिए मैं तैयार हूँ भाई। बाकी यार उसकी नजरों में भी मैंने अपने लिए प्यार देखा है, तभी बोल रहा हूँ। फोन आ गया, नहीं तो सारा प्यार नहीं निकाल देता। देख ले भाई एक बढ़िया स्कीम दे रहा हूं, अगर मन बदले तो बोल दियो। भाई रेडी बैठा है चेतना। हेलो, ये तुमने इंस्टा पे किस लड़की को फॉलो किया है? किसको? ये जैस्मिन कौन है? क्या तुमने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया? लेकिन तुम्हें मेरा पासवर्ड कहां से मिला? मैं तुम्हारा इंस्टाग्राम क्यों हैक करूंगी, मैंने अपने अकाउंट से चेक किया। तुम धोखा दे रहे हो ना मुझे, इसलिए ना तुमने कभी इंस्टाग्राम का पासवर्ड नहीं दिया मुझे। गर्लफ्रेंड है ना वो तुम्हारी? गर्लफ्रेंड है ना? यार चेतना तुम्हारी सोच इतनी गिरी हुई होगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। क्या दी है वो मेरी? अच्छा ये तुम्हारी दीदी है? एक मिनट एक मिनट। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो तुम्हारी दीदी है तो तुम्हारा नाम अनिकेत बेनीवाल और उसका नाम जैस्मिन बत्रा, ये कैसे पॉसिबल है? यार लगता है अब तुमको सच बताना ही पड़ेगा। हाँ बताओ। हो कहाँ तुम? टेरेस पर। ठीक है मैं आता हूँ। पिछले 10 मिनट से बस टहले जा रहे हो, मुझे बताओगे बात क्या है? तुम जानना चाहती हो ना कि वो जैस्मिन बत्रा और मैं निकित बेनीवाल कैसे हूं? तो सुनो, हम दोनों की एक ही माँ है लेकिन बाप अलग अलग है, उसके बत्रा और मेरे बेनीवाल। क्या मतलब तुम्हारी मम्मी की दो शादी हुई है? हाँ, और ये बात मैं किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन तुम हो ना, तुम्हारे दिमाग में तो सिर्फ शक भरा हुआ है। नहीं बेबी ऐसा नहीं। अरे छोड़ो यार, कि तुम्हारी शक करने का तो ना जाएगी नहीं। छी यार चेतना, छी। बेबी I'm sorry, पता नहीं खाम का क्या क्या सोच रही, खाम का परेशान हो रही, प्लीज माफ कर, प्लीज ना सॉरी माफ कर दो, प्लीज कर दो ना माफ, कर दो माफ, कर दो 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 माफ कर दो। ठीक है पक्का माफ कर दिया? हाँ कर दिया। I love you. अच्छा सुनो, अगर कल तुम फ्री हो तो शॉपिंग करने चले? हाँ चलो। अबे नहीं, कल इसके साथ नहीं जा सकता, कल जैस्मिन के साथ 3 बजे कॉफी पीने भी तो जाना है, मना कर इसको। नहीं कल नहीं जा सकते, वो कल ना मुझे कुछ काम है। काम? क्या काम? यार वो दीदी आई हुई है ना, तो कल उनके साथ जाना है, अब उनको हाँ बोल चुका हूँ, ऐसे मना भी नहीं कर सकता। बाकी तुम टेंशन मत लो, हम एक काम करते परसों चलते, तुम ना परसों का प्लान बना लो। डन, मैं आ जाऊंगा परसों, चलेंगे ठीक है? ठीक है अभी ना मैं चलता हूँ, खाना भी नहीं खा के आया, ठीक है बाय। ओए ऐसा उदास मत हुआ करो यार, तुम खुश अच्छी लगती हो। बाकी बोल तो रहा हूँ, परसों का सीन डन रखते हैं, और परसों तुम डबल शॉपिंग करना ठीक है? अभी मैं चलता हूँ, बाय बाय, लव यू। Love you too. तो तुम कहाँ रहते हो?
मैं अपना वो तुम्हारे पीछे से आ गई बी ब्लॉक हाउस नंबर 45 पे। ओ और वैसे कितनी लड़कियों के साथ ऐसे कॉफी पीने आ चुके हो? अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो वैसे तो मैं बहुत शरीफ लौंडा हूँ, ऐसे किसी लड़की के साथ कॉफी पीने नहीं जाता। वो तो हम स्कूल के काफी अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए आ गया बस। दोस्त हैं हम? हाँ है तो क्यों नहीं है क्या? ऑब्वियसली नहीं है यार, स्कूल में तो मैंने तुम्हें कभी देखा भी नहीं था, तो कैसे दोस्त हुए हम? ठीक है यार मानता हूँ तुम मुझे नहीं जानती थी, लेकिन मैं तो तुम्हें जानता था ना, और अब तो हमारी जान पहचान भी हो गई है, तो अब तो हुए हम स्कूल फ्रेंड्स। हाँ, अब तो हम फ्रेंड्स हैं। हाँ, बाकी कॉफी कैसी लगी? ये तो अनिकेत की कार है। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और वीडियो यहां तक देख लिए तो आई नो सेकंड एपिसोड की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई होगी। और मैं मानता हूं वीडियो थोड़ा लेट आई है, पर लिखने में भी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन डोंट वरी, अब सेकंड एपिसोड जल्दी देखने को मिलेगा और जल्दी जल्दी एपिसोड आते रहेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा, एंड शेयर जरूर करना है वीडियो को। और हाँ गाइस, खुद को रखो फिट एंड फाइन विद माय फिटनेस सुपर फिट टैबलेट्स के साथ। ये अलग अलग कलर के साथ अलग अलग फ्लेवर्स में भी है और इसके अलग अलग बेनिफिट्स भी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके इजिली बाय कर लो और खुद को रखो फिट एंड फाइन। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो उस रेड बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और नोटिफिकेशन बेल को कर लो ऑन, ताकि सेकंड एपिसोड की अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और हाँ, यहीं कहीं मेरा यूजर नेम भी आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ, @AniketBenival। मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, क्योंकि वहां पे मैं बहुत सारी चीजें डालता रहता हूँ वीडियो से रिलेटेड, कि कब वीडियो आने वाली है, क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा, मतलब अपनी सारी अपडेट डालता हूँ, एक्टिव रहता हूँ वहां पे, तो वहां पर भी मुझे आके फॉलो कर लो, कभी कभी बात भी कर लूंगा आप लोगों से। तो बाकी मिलते हैं सेकंड एपिसोड में बहुत जल्द, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाय, लव यू ऑल।